जी दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मुर्गे का चेहरा आप देखें कितना सफेद है इसके चेहरे पर है। असल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई आफ्ताब बलोच। दोस्तों आज के जो टॉपिक है वो हमारे मुर्गों के सफेदे के मुतल्लिक है, जो काफी दोस्तों को ये कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आफ्ताब भी हमारे मुर्गे को सफेद रहते हैं। तो काफी दोस्त बहुत कुछ ट्राई करते हैं, यानी कि एलोपैथिक भी करते हैं और बहुत सारी दवाएं, लेकिन उन्हें फर्क महसूस नहीं होता। तो मेरा एक मुर्गा उसे सफेदा हो चुका है, मेरी कुछ लापरवाही भी है कि दो चार दिन से मैंने अपने परिंदों को तवज्जा नहीं दी, तो मेरे एक मुर्गे को सफेदा हो चुका है लेकिन बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी आपको मुर्गा भी दिखाते हैं, इसके साथ साथ मुकम्मल ट्रीटमेंट भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, पहले आपको मुर्गा चेक कराते हैं, आप देखें कि उसके सफेदे की क्या कंडीशन है। जी दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मुर्गे का चेहरा आप देखें कितना सफेद है इसके चेहरे पर है। असल में दो चार दिन में था नहीं, तो इसका मैं फेस भी नहीं धुलवा सका था, तो इसके सफेदे की ये कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी ट्रीटमेंट आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले इस मुर्गे का हम चेहरा धुलवाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, जो सादा पानी होता है इसके साथ हम इसका पहले चेहरा धुलवाते हैं, तो इसका हम चेहरा धुलवाने उसके बाद फिर आपके साथ वो ट्रीटमेंट शेयर करते हैं। जी दोस्तों, अभी आपने क्या करना है, आपने लेना है एक प्याज। ठीक है, प्याज एक नहीं लेना, बेशक थोड़ा हो जितना हो, मैं आपको दिखाता हूँ कितना। तो आपने प्याज को जो क्रेश कर लेना है, उसका आप अलग रस भी निकाल सकते हैं। अगर रस ना निकालें तो वो थोड़ा सा प्याज उसे पीस ले, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं आपको कह रहा हूँ। तो उस प्याज को आपने ऐसा करना, ये देखें, तो ये मैंने इसे बिल्कुल जो है ना, ये आप देखें, तो इसे मैंने ये क्रेश किया हुआ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, तो इस हिसाब से इसमें यानी कि वो प्याज भी इसमें होना चाहिए और उसे बिल्कुल क्रेश करना है। क्रेश करने के बाद ये है सरसों का तेल, तो इसमें आप ये थोड़ा सा सरसों का तेल आपने इसमें डालना है। ये देखें, तो इसी हिसाब से ये देखें, तो इसमें हमने सरसों का ये तेल डाल दिया। ठीक है, अभी हम करेंगे इसे मिक्स, जिसको उसे फिर करना है इसे मिक्स। ये देखें, तो इसे मैंने अच्छे से जो है मिक्स करना है। ठीक है, तो ये देख लें, तो इसे हम इसी हिसाब से मिक्स कर देंगे। तो जो पिसा हुआ, जो क्रेश किया हुआ प्याज है, ठीक है, उसकी जैसे प्याज वो हो जिसमें रस ज्यादा हो, ठीक है ना, रस वाला प्याज हो, उसमें सरसों का तेल डाल के फिर करना है इसे मिक्स अच्छे से। तो इसे हमने मिक्स कर लिया, तो ये हमारा जो यानी कि जो फेस पर लगाना है ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। दोस्तों ये देखिए, हमने मुर्गे का चेहरा अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर दिया है। अब इसके चेहरे पर वो जो प्याज और सरसों के तेल का जो पेस्ट बना हुआ था, अभी वो इसके चेहरे पर हम अभी लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, माशाल्लाह से हमने इसके चेहरे पर प्याज और जो तेल का जो पेस्ट था वो हमने इसके चेहरे पर अच्छी तरह से लगा दिया, तो अभी से ही फर्क महसूस हो रहा है। जी दोस्तों, माशाल्लाह से आपने भी देखा था, जो प्याज का जो सरसों का तेल का हमने पेस्ट बनाया था, ये बस यही पेस्ट बनाना है इसमें और कुछ भी नहीं डालना। तो ये बनाकर हमने मुर्गे को अच्छी तरह से चेहरे पर लगा दिया है, तो आपने भी इसी तरीके से करना है कि मुर्गे का चेहरा अच्छी तरह से धोकर प्याज का और सरसों के तेल का पेस्ट बनाकर, तो ये आपने सुबह और शाम दो मरतबा लगाना, जैसे हमने अभी लगाया है इंशाल्लाह भी फिर से हम सुबह बिल्कुल ऐसे ही हमने इसे फिर से शाम को भी लगाना है। इसी तरीके से आपको तीन से चार दिन लगाने, इनके पांचवें दिन इंशाल्लाह आपका मुर्गे का जो चेहरा होगा उसका सफेदा भी खत्म हो जाएगा, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।